वेलकम दोस्तों, हमारा चैनल आओसी को कुछ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप किन्हीं कारणवश अपने राशन कार्ड को बंद करवाना चाहते हैं तो किस तरह से ऑनलाइन अपने मोबाइल के थ्रू बंद करवा सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम या अपने सिस्टम के क्रोम को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आहार लिख के आप सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा झारखंड गवर्नमेंट PDF सिस्टम पेज का, तो इसे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आप मोबाइल में ओपन कर रहे होंगे तो इसे आप डेस्कटॉप सेट में कर लीजिएगा। डेस्कटॉप सेट में करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका इस तरह से पेज ओपन होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। इसमें से एक ऑप्शन मिल रहा है आपको ग्रीन कार्ड का, तो इसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्रीन कार्ड ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे साइड में आपको सिलेक्ट करके आ जाना है। इससे पहले आप फिर से आप इस पेज को डेस्कटॉप सेट में कर लीजिएगा। डेस्कटॉप सेट में करने के बाद इस तरह से आपका यह पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रेड कलर में आपको दिख रहा होगा कार्ड होल्डर लॉगिंग का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो इसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्लाइड करके नीचे आना है। स्लाइड करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राशन कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो अपना राशन कार्ड नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद कार्ड टाइप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे आप क्लिक कीजिएगा। और आपका जो राशन कार्ड होगा ग्रीन राशन कार्ड होगा, तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। नहीं तो आपका यहाँ पे PH होगा, या मतलब लाल कार्ड या हरा कार्ड या वो पीला कार्ड या व्हाइट कार्ड, तो इसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो देखिए दोस्तों, आपके राशन कार्ड में जो कार्ड होल्डर होंगे, जो हेड होंगे आपके राशन कार्ड में, उसका आधार का लास्ट का 8 डिजिट नंबर आपका यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका यह कैप्चा कोड आपको दिख रहा होगा, यह कैप्चा कोड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे लॉग इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्लाइड करके आपको नीचे साइड में आ जाना है, जिसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राशन कार्ड का सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा, जैसे राशन कार्ड नंबर है, उसके बाद राशन कार्ड में जो नेम होंगे हेड उनका नाम, उसके बाद जितने मेंबर होंगे उसका भी नाम यहाँ पे आपका मिलेगा। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिल रहा होगा यहाँ पे राशन कार्ड सिलेंडर का, तो इसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आपको नीचे साइड में स्लाइड करके आ जाना है। स्लाइड करके आने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सेलेक्ट फैमिली मेंबर का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये 3 मेंबर में का भी आधार कार्ड आपके पास होगा, तो उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक मेंबर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मैं डाल दूंगा। उसके बाद वेरीफाई में क्लिक कर दूंगा का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको स्लाइड करके नीचे आ जाना है। स्लाइड करके नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट रीजन का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी रीजन आप दे सकते हैं जो आपका राशन कार्ड बंद करवाने का रीजन होगा, तो यहाँ पे मैं UID डुप्लीकेट का रीजन दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपलोड सेल्फ डिफिनेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पे क्लिक करके एक फॉर्म को आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद सेंड रिक्वेस्ट में आपको क्लिक करना पड़ेगा। सेंड रिक्वेस्ट में करने के बाद यह रिक्वेस्ट आपका चला जाएगा और आपका BOSO ऑफिस में एक आपका रिक्वेस्ट चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रिंट भी निकाल लेगा लिख लेगा, जो आप वह प्रिंट निकाल लीजिएगा और अपने BOSO ऑफिस में भी जमा कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका कौन सा फॉर्म लगेगा जो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आपको स्लाइड करके नीचे ऊपर साइड में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगआउट में आपको क्लिक कर देना है। लॉगआउट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट आपको 3 लाइन दिख रहा होगा, तो इसे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्लाइड करके नीचे आ जाना है। स्लाइड करके नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा यहाँ पे राशन कार्ड सिलेंडर का, तो इसे आपको क्लिक कीजिएगा, फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको डालना है राशन कार्ड का हेड का नाम, उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद नीचे साइड में आपको जो रीजन से आप राशन कार्ड बंद करवाना चाहते हो उस पर टिक मार्किंग कर दीजिएगा। टिक मार्किंग करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना स्थान डाल दीजिएगा, उसके बाद अपना यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा और इसके बाद अपना नाम लिख दीजिएगा और यह फॉर्म को स्कैन करके आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपका एक रिसीविंग आपका BOSO ऑफिस में चल जाएगा और आपका एक प्रिंट निकलेगा, वो प्रिंट लेके आप फिर से अपना BOSO ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि दोस्तों कि आप मैंने सब कुछ सबमिट करने के बाद मेरा अभी तक मेरा कार्ड बंद नहीं हुआ, तो देखिए दोस्तों, इसका मैं रीज़न बता देना चाहता हूँ कि आपका जो ब्लॉक होगा, आपका कार्य जितना तेज़ी से करेगा उतना ही जल्दी आप